नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर रीवा जिले के मऊगंज वार्ड क्रमांक 3 से है। कुसुम महिला भुक्ता भंडार का है, जहां पर कोटेदार के द्वारा 4 महीने से गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा है। फिंगर लगवा कर ये कहकर बहाना बना दिया जाता है कि सर्वर नहीं है और गरीबों का राशन कोटेदार के द्वारा बेच दिया जाता है। हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे में कोटेदार गल्ला नहीं देता है, तराजू में राशन तौल कर देता है। अगर 10 किलो दिया तो 7 किलो निकलता है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने 181 से लेकर SDM तक की गई है। जैसे ही मऊगंज SDM AP द्विवेदी को शिकायत मिली, तुरंत उन्होंने फूड इंस्पेक्टर को जाँच के आदेश दिए। फूड इंस्पेक्टर के द्वारा जाँच की गई तो, लेकिन जाँच के नाम पर खाना पूर्ति की गई है। गरीबों के साथ न्याय नहीं हुआ है। जांच के बाद भी गरीबों को नहीं मिला राशन, ना ही कोटेदार के ऊपर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई हुई। अगर 3 महीने से खाद्यान्न वितरित नहीं किया जा रहा था तो क्या फूड इंस्पेक्टर को इस बात की जानकारी नहीं थी? इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फूड इंस्पेक्टर समितियों का निरीक्षण करने नहीं जाते और जिला मुख्यालय में ही रहते हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सुबह 9 बजे से 4 बजे तक इस कड़ी धूप में बैठाया जाता है। इसके बाद 4 बजे बोल दिया जाता है कि सर्वर नहीं है, आइए सीधे ले चलते हैं ग्रामीणों के पास, जिन्होंने कोटेदार के ऊपर के आरोप लगाया है। कहाँ नाम है काका तुम्हारा? सिद्धमुन पटेल। कहाँ रहते हैं? दुगमा। दुगमा? हाँ। कहाँ समस्या है तुम्हारा? हमारा गल्ला 4 महीने से नहीं मिलता। कहाँ कोटा है तुम्हारा? कोटा वार्ड नंबर 3 में धरे है, श्रीवास्तव। कई महीने से गल्ला नहीं पाया? 4 महीने। शिकायत कौन नहीं करे? कहाँ शिकायत? 81 सुनवाई हुई। कई महीने गल्ला नहीं? 4 महीने के? 4 महीने। यही थे कहा थे कि हम धाय कही के सर्वर नहीं आए, धाय कही मशीन निशान है। हाँ, लगवा दे थे, अब फिर चोरी चोरी बेच ले थे। तौला उलक सिस्टम ठीक है? तौला ही अभी गल्ला मिला था है। नहीं पहुंचिया है? काने नहीं सुना है। कहा गल्ला मिला था है? नहीं मिला पाए। कब से नहीं मिला? हमको 2-3 महीना मिला, पहले अब नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं मिला।